ये तो बस रोजाना का बिजनेस है। तुम्हें लगता होगा कि मैं ऐसे मौके पर फालतू चीजें कर रहा हूँ, लेकिन असल में उन्हें पार्टियां अच्छी लगती थी। मेरा फैसला है कि यह मैं उनके सम्मान में करूंगा। उन्हें यह बहुत पसंद आता। हे जिमी, आज रात कुछ करते हैं। मुझे उम्मीद है ये काम करेगा तुम्हारे लिए और टापू के लिए भी। हाँ, इसके बारे में बोलते हुए मुझे मिला एक आदमी जो मुख्य भूमि से बिजली शुरू करने के लिए यहाँ आ रहा है। तो जॉन को बताओ कि बिजली जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुमने शर्त लगाई थी। ब्रेंडा, यहाँ से बीच पर कैसे जाऊँ बताओ? हाँ, वहाँ से रास्ता है। मिल गया। ओके ओके। जिमी, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम ठीक तो हो? मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। दिख रहा है कि तुम कर लोगे। मेन पावर अभी भी बंद है। किस पे काम कर रही हो? हाँ, ओके, तो याद है मैंने क्या कहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगा था कि ये दांत किसी बच्चे का दांत है। हाँ, लेकिन तुमने ये भी कहा था कि ये बच्चे के दांत से काफी बड़ा है। हो, ये बात पक्की है कि बच्चे का दांत है। डरने की बात तो ये है कि असल में ये चीज बच्चे का कितना हो सकता है। हमारी डरावनी मांस खाने वाली मछली एक नवजात बच्चा है। क्या मतलब ये चीज बड़ी थी, ये कैसे हो सकता है? इस बात का सबूत बायोलॉजी में है। ये प्री हिस्टोरिक नहीं है, फिर भी शार्क्स रेंगने वाले हमलावरों की तरह है जो 450 मिलियन सालों से हैं। पर ये कोई फॉसिल नहीं है, ये एक मांसाहारी है जो रेत को कोट की तरह पहनते हैं और रेत को पानी समझकर उसमें तैरते हैं। ये कैसे तैर सकती है? ये सब इनके स्किन में है। खाल में प्लेकर्ड स्केल्स विकसित होने के कारण इनको रेत में हाइड्रोडायनामिक खूबियां मिली हुई हैं, जो कम करता है इनका टर्बुलेंस और फ्रिक्शन। असल में ये छोटे वर्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं जो उनके स्केल्स में है, ताकि वो सक्शन करे एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन तक और यूं पानी खींच लेती है। लगता है इसीलिए ये रात को हमला करती है, क्योंकि तब रेत ज्यादा ठंडी और नमी वाली होती है। चलो, बड़ी अच्छी बात है, ये मर चुका है। हाँ, इसके बारे में, ये बच्चा मर चुका है, पर ये दिमाग में रख लो कि ये नवजात था, जस्ट बॉर्न। तो इसका मतलब है कि इसकी माँ अपने खोए हुए बच्चों को शायद ढूंढ रही होगी। मैंने ऊपर देखा तो वो वही थे, फिर वो चीज ले गई। मेरे पॉप्स गुजर गए। तुम लॉक नहीं कर सकते क्या? जिमी, हमारा एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम? हाय भगवान, मेरा ऑर्डर कैंसिल करो। अच्छा किया ना? हाँ भाई। दोस्त, तुमने बड़ा वक्त हासिल किया। और लोग भी आने वाले हैं। जब हम कॉलेज से निकले तो हजार बच्चे डॉक पर थे। तुम बहुत डरपोक हो भाई। हाँ? तुम्हें बच्चे पर यकीन करना होगा। ए भाई, मेरा मतलब मैं क्या कहूँ, वो मेरी नींद में मेरे पास आया और कंधे नहीं देख के चलो। बेबी, तुम तो बिल्कुल फुल चेरी जैसी लग रही हो। बस पाइन कौन लेने जब क्रंचेस कहेंगे। ठीक है, एटीट्यूड है, एटीट्यूड।
अगर इस तरह के लोग यहाँ पर रहेंगे तो स्प्रिंग ब्रेक में मजा नहीं आएगा। व्हाटएवर, चलो चलते। अरे मैंने कहा ना, सच में अच्छा काम है, जिमी इम्प्रेस होने वाला। तुम्हें लगता है वो मुझे प्रमोट करेगा? नहीं, तुम अब तक इंटर्न हो। तुम इलेक्ट्रिशियन हो, ओके कूल। हमें तुम्हें भेजे हुए आंकड़े मिले और सब कुछ, बस तुम तसल्ली कर लेना, राइट में जाओ। वो वहाँ बाहर है, और अगर वो कुछ भी अपने बच्चे की तरह है, वो बड़ी है और वो भूखी है। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है जिमी, पर ये बीच बंद रहेंगे। बिल्कुल नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अभी इसी वक्त हजारों कॉलेज के बच्चे तूफान की तरह व्हाइट सैंड्स के बीच पर आएंगे और वो ढेर सारा पैसा लुटाएंगे, मतलब इस टापू के लोगों के लिए ढेर सारा पैसा। अगर तुमने इस फेस्टिवल को खत्म किया तो उसके साथ ये टापू भी खत्म हो जाएगा। मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम उठा सकते हो, पर इस टापू के रहने वाले नहीं उठा सकते। तो जब तक तुम्हें यकीन ना हो कि यहाँ एक और शार्क है, हाँ? हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है। तो अगर तुमने ये फेस्टिवल बंद किया तो तुम लोग डरपोक माने जाओगे। अगर मेरे पॉप्स यहाँ होते तो कहते, डरपोक होना चुनाव के साल के लिए अच्छी चीज नहीं होती। तुम्हें लगता होगा कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पॉइंट मिलेगा। मैं मानता हूँ कि री इलेक्शन के लिए आप तैयार हैं। फाइन, लेकिन जैसे तुम्हारे या मेरे लोगों को शार्क होने का संकेत मिलेगा, ये पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं पिछली बार तैयार नहीं था, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। ओहो, ऐसा लगता है ये ऊपर से आया हुआ संकेत। क्या हो रहा है पार्टी पीपल? बड़ी खतरनाक और गर्मा गर्म बीच पार्टी धरती पर। भूल जाइए डेथोना, भूल जाइए कैनकन। सैनमन पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि सैनमन पार्टी कभी रुकती नहीं है। ये पर पार्टी शुरू करने से पहले मैं ये इनॉग्रल पार्टी डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे पॉप्स की याद में, द लेट ग्रेट मेयर जेम्स ग्रीनबर्ग। बिना उनकी मदद के हमारा सैनमन फेस्टिवल बस एक सपना रह जाता। आप ऊपर से देख रहे हैं ना पॉप्स? अब बिना देर किए मैं चाहूंगा कि आप अपने क्लास की चिंताओं को सुला दे और इस बीच को जगह दे डीजे प्लान बी के साथ। ब्रेंडा, तुम पोस्ट क्यों छोड़ रही हो? तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखों से चीजों का मुआयना करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया। पक्का ना? हाँ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुम और टी बैग्स परेशान थे क्योंकि मैं उन्हें बंद करने जा रहा था। जिमी, ये वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रही। मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। मतलब तुम मारोगी? hey, रुको, मैं तुम्हें। तुम डिप्टी डोनट्स के बारे में सोच रहे हो, मुझसे भी ज्यादा? मुझे काटो अमांडा। मैंने पहले ही कर दिया। तुम सच में नरभक्षी हो, है ना? तुम्हें पता है तुम किसी के कर्जे में क्यों रहते हो जिमी? तुम्हारे पास बिजनेस का दिमाग ही नहीं है। शार्क,
ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। ये तो बस शार्क है, ये तो बस शार्क है। शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। मिस्टर ग्रीन, आप ठीक है? ऐसा कर रहे हैं जैसे भूत को देखा हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है। चलो पार्टी करते हैं। बिल्कुल, मिस्टर ग्रीन के साथ फोटो खींचती हूँ। जाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम जल्दी फोटो खींचो, हमें पार्टी करनी है। व्हाइट सैंड है जिमी, ये तुमने क्या किया? क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है, वो सैंड शार्क थी, वो सैंड शार्क ने किया है। सैंड शार्क? मुझे लगा वो मर गई होगी। मुझे लगता है मैं भी मार हो जाऊंगा। देखो तुम सब लोग शांत हो जाओ, थोड़ा एक दूसरे के करीब आओ। शांत हो जाओ, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरा मतलब सैंडमैन को रोकना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, मैं नहीं करूंगा। नहीं कर सकते? कर सकते हो तुम। मैं नहीं करूंगा। विली, अगर ये बंद किया तो तुम जानते हो मेरे साथ क्या होगा। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मीश पार्टी चल रही है, हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि बस एक माफिया चुड़ैल ने अपना सर खो दिया। जिमी, ये सिर्फ अमांडा के बारे में नहीं, ओके? ये इस पार्टी के बारे में, तुम्हारे बाप के बारे में, ये उन सब के बारे में जो मर चुके हैं। मैं जानता हूँ, मैं वहाँ था विली, और मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे पॉप्स, पार्की और अमांडा सभी कहते थे द शो मस्ट गो ऑन, इसलिए ये शो चलता रहेगा। अभी भी तुम सीरियस नहीं हो? चाहे हार्ट अटैक हो या शार्क अटैक। विली, मुझे लगता है कि जिम वो कहना चाहता है कि सिर्फ पार्टी इसलिए नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग मरे हैं, बट ये बैड बिजनेस है। समझ गया इरेन, अब तुम एक इंटर हो, चुप हो जाओ या जाके टारगेट अवार्ड अचीव करो। एक इंटर हूँ, जानती हूँ, लेकिन जब से आई हूँ काम तुम्हारा कर रही हूँ। जो भी हो, देखो जिमी, ठीक है, तुम जानते हो मैं तुम्हारे इस खेल में शामिल क्यों हुआ, क्योंकि ये अच्छा खेल था, बहुत सारे फायदे थे इस खेल के, सच है, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, अगर किसी को कुछ भी हो गया तो सब खेल खत्म। इसीलिए ही तो हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। नहीं मैन, भाड़ में जैसा मैं जा रहा हूँ। तुमने ये क्या कर दिया? बिजनेस के लिए शॉक बुरी है, पर विली भी कायर बन पे उतर आया। अगर बिजनेस में आगे जाना है तो आपको भी त्याग करना होगा अमेंडा की तरह। मैं सही था, तुम सच में एक शार्क हो, है ना? कौन? मैं नहीं तो। वैसे जो मुझे चाहिए होता है वो मैं मार कर ही रहती हूँ। तुम्हारा मतलब किसी को मारना? नहीं, इसे बस थोड़ा सर दर्द होगा। ठीक है, मैं बताती हूँ, आप पार्टी में वापस जाओ और मैं ये सब साफ कर लेती हूँ, फिर हम नाटक करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है अब तुम इंटर्न बिल्कुल नहीं रही, इसीलिए तो मैं आपके पास काम करती हूँ, आपके साथ। जिम्बो, आप बहुत तेज हैं, अब जाइए पार्टी एंजॉय कीजिए। तो कैरी ऑन। सैंडी, तुम यहाँ पे हो? मुझे लगता है मैंने रेत में कुछ देखा है। मैं देख रही हूँ। वो सब डांस करते हुए दिख रहे हैं। सैंडी, कुछ बदमाश बच्चों ने रेत पे टीला बनाया है, शैतान। हाँ,
हमने कर दिखाया पाप। आपने और मैंने हमने ये स्टूपिड आइलैंड बचा लिया। हम पर कोई यकीन नहीं करता था। मुझे आपकी याद आ रही है बॉब। आई लव यू। आपकी आत्मा की शांति के लिए। ए, रुको रुको। प्रॉब्लम क्या है? एक्सक्यूज मी, तुम में से रेक्स कौन है? वो डी रेक्स तुम्हारे लिए, और मैं मटन खाने वाला, मटन खाता हूँ। रुक जाओ वरना मैं उल्टा कर दूंगी। चलो चलते हैं टेलर। रुको, हमें पता है तुम्हारे पास ड्रग्स हैं। कहाँ से सुना तुमने ये सब? सब लोग यही कह रहे कि तुम्हारे पास बढ़िया स्टफ है, राइट क्रिस? राइट। नहीं, ड्रग्स बुरी चीज है। हाँ, से नो टू ड्रग्स। छोड़ दो मुझे, ओके? क्या हम थोड़ा देख सकते हैं? मैं मेरा दिखाऊंगा, अगर तुम उसे अपना दिखाओ। नो वे, मैं इस लड़के को नहीं दिखाऊंगी। उसे नहीं, सर शार्क। शाके शाके। ठीक है, पर देखना नहीं। नहीं नहीं, Brenda.
भरोसा करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं ये अंदर रख दूंगा तो तुम ठीक हो जाओगी। मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ब्रेंडा। तुम्हें पता है जब हम एक साथ रहते थे मैं तुमसे कहा करता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलता था। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ ब्रेंडा, आई लव यू। क्या 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 बोलो? तुम बुद्धू ब्रेंडा। मुझे अपना हाथ दो। हे भगवान, वो कितना करीब था। वो कुछ ज्यादा उस ढेर में क्या था? बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड टर्म जूस। टर्म जूस? हाँ, ये मेरा खोजा हुआ सिंथेटिक लिक्विड है जो शार्क्स के लिए फटका है। ब्रेंडा, ब्रेंडा तुम सुन रही हो? ब्रेंडा, ओके, रुक जाओ, ठीक ठीक से बैठो। ये अनकंफर्टेबल है, रुको, ये हाँ यहाँ पर रुको, अब बस बैठो यहाँ पर। ये लो, ये मैं तुम्हारे सर पे रखता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। ब्रेंडा तुम वहाँ पे हो? ब्रेंडा अंदर आओ। नहीं नहीं, मैं जिमी हूँ। हेलो जिमी, तुम मेरी फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहे हो? ब्रेंडा कहाँ है? वो वैसे मुझे पता नहीं कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हारी बहन को उसे क्या उसे शार्क ने आधा खा लिया है। ये मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। कुछ बच्चे, मेरे पॉप, तुम्हारी बहन, सब लोग मारे गए, ये सब मेरी गलती है। जिमी, हर कोई सोचता था कि वो चीज मर चुकी है। मुझे पूरा यकीन था कि और भी शार्क है। मुझे पता था। तुम्हें पता था तो तुम्हें कब पता चला? मैंने एक और देखी थी बस पार्टी शुरू होने से पहले, और उसने अमांडा को खाया। ये बात मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बताया? तुम नहीं समझ रहे हो। अगर ये पार्टी नहीं होती तो मैं मर जाता। मेरा मतलब वो मार डालते मुझे। वो लोग तुम्हें नहीं मार पाते क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मेरी बहन के साथ 15 लोग मारे जा चुके हैं तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँगा। क्या समझे तुम? तुम ऐसा क्यों करोगे? पार्टी देने के लिए बेवकूफ। लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे तकलीफ नहीं हुई है क्या? नहीं 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 नहीं, तुम गुनहगार हो, सड़ोगे जेल। तुमने भले ही ट्रिगर नहीं दबाया या गोलियां इस्तेमाल नहीं की, लेकिन बीच का इस्तेमाल किया। जॉन, जो भी हो रहा है वो एक ट्रेजेडी है जो हमारे साथ हो रही है, पर हम फंस गए हैं शार्कों के और पर्वतों के बीच। यहाँ से निकलने का कोई आइडिया है? जिमी, जिमी तुम वहाँ पे हो, तुवाल क्यों उठाओ? हाँ मैं जिमी बोल रहा हूँ। देखो मैंने कुछ ज्यादा ओवर एडिट किया। तुम अब भी जेल जाओगे, मैं मारूंगा नहीं तुम्हें, पर मुझे जरूरत है तुम्हारे मदद की। जॉन, शायद डॉक्स पर गंभीर हालात हैं। जिमी क्या कहा तुमने? डॉक्स पे गंभीर हालात होंगे? मैंने कहा डॉक्स पर। वो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, वहां पर लोगों की भीड़ है, शायद वहां दंगा हो सकता है, और वहां फेरी कल दोपहर से पहले नहीं आएगी। जीसस,
जिमी, उन बच्चों को डॉग से दूर रखो, वो ज्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। तुम ये कर सकते हो? हाँ मैं समझ गया। बस ख्याल रखना जो पहले हुआ आपने ही होना चाहिए। अब भीड़ को जिम्मेदारी के साथ हैंडल करना होगा और तुम जो भी करो अपना सायरन बंद रखो, हंगामा नहीं चाहिए। ओ माय गॉड, जिम्मी उन लोगों को डॉक्टर से दूर करो। हमें समझ गया, हमें समझ गया। अच्छा हर कोई सुनो, हर कोई सुनो, यहाँ से निकलो, यहाँ से दूर हटो, भागो भागो भागो, चलो निकलो यहाँ से, खुद को बचाओ, खुद को बचाओ। क्या सब लोग ठीक है? किसी को मेडिकल अटेंशन चाहिए? हाँ, किसी को लगा है क्या? कोई तो, कोई तो, कोई तो, कोई तो। हे तुम वहाँ नीचे ठीक हो ना? नीचे ठीक हो ना? तुम्हें मदद चाहिए? वो घायल हो चुका है, सांस नहीं ले पा रहा। यहाँ पर कोई डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है क्या? नहीं नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं वहां पर जाओ, मैं वहां पर। सॉरी, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। अच्छा तो ये सब मजाक चल रहा था? मजाक चल रहा। क्या तुम लोगों को पता है वहां सैंड शार्क लोगों को जिंदा खा रही है? हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात। मुझे पता है तुम लोगों को मेरी बात बकवास लगेगी, लेकिन वहां रेत में शार्क है, शार्क है। तो नहीं, तुम्हें तुरंत बीच से निकलना चाहिए, अभी के अभी। उठ जाओ और तुरंत यहां से भागो, दूर भागो। अरे तुम लोग बेवकूफ हो क्या? क्या तुम्हारे पास गन नहीं है भाई? वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता सर। स्टेशन से भी तुझे नहीं मिला? शायद मैंने चेक नहीं किया। फिर तो वापस जाओ और कुछ गोला बारूद लेकर आओ, और मैं यहाँ संभालता हूँ। अगर तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे तो तुम लोग पीछे जा रहे हो। भागो, भागो, शार्क का भोजन बना है क्या? भागो, यहाँ से निकल जाओ, निकलो यहाँ से, जल्दी जाओ। ओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम रॉक्स पर ही हो। हम लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन तुमने डॉग पर बच्चों की मदद क्यों नहीं की जैसा मैंने कहा? मैंने लड़के को जाने के लिए कहा। क्या तुम कभी दिखे हो सुनने से पहले? और तुमने उसे जाने के लिए क्यों कहा? मैं जानता हूँ ये गन मेरे लिए काफी है। और ये था तो क्या शार्क्स मर चुकी है? अच्छा तो मोहतरमा, नहीं नहीं, उसके लिए बंदूकों की जरूरत पड़ेगी, पर मैं जितना सेव कर सकता था मैंने किया। शुक्रिया मिस्टर मैक्स ओरली, हमें यहाँ से ले लेंगे। तुम पक्का ले जाओ बेटा। मैं शेरिफ, और हाँ मैं पक्का लाऊं। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है, बल्कि भूखे कुत्तों के सामने मांस के टुकड़े डाल दिए हैं। ये मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन हम खुद से कुछ करने के लिए आए। बंदूकों के साथ? क्या ये बंदूकें रोक पाएगी उस आदमी को खाने वाली शान शार को? तो हमारे पास और रास्ता ही क्या है? इस टापू पर हजारों बच्चे फंसे हैं, उन्हें निकालने का कोई रास्ता नहीं। अब तो कोई फेरी भी नहीं है कल तक के लिए। एक दिन वेट करने से लेट होगा, तब तक ये टापू सैंड शार्क से भर जाएगा। सैंड शार्क ने खून चख लिया है, अब तो वो लंगर समझकर इंसानों का खून पीने के लिए कभी भी इकट्ठे आ सकते हैं। हाँ वैसे अगर आप एक्सपर्ट हैं। बोलो अभी क्या करना है? मैं अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट नहीं समझता, पर इन मांस खाने वाले रेतीलो कीड़ों का बरसों से शिकार करता आया हूँ मैं। इस लड़की को सही आइडिया आया है, तुम आसानी से इन सैंड शार्क को नहीं मार सकते। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम सैंड बॉक्स के बाहर हो। अब तुम्हें उसी सैंड में सैंड बॉक्स बनाकर उनको ट्रैप करना होगा, जैसे कि वो शार्क टैंक हो। इसका क्या मतलब है? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं क्लियर करती हूँ,
तुम्हें शार्क्स को किसी तरह से इसी बीच में लेके आना है, फिर रेत को इलेक्ट्रिसिटी से पिघलाना है, इस तरह उन्हें कांच में कैद करना है, यही सही है? आपको बड़े बीच की जरूरत पड़ेगी एंगस। मेरा सैंडबॉक्स है, मैं जब समुंदर की तलहटी में ड्राइव कर रहा था 30 साल पहले तो मैंने इन शार्क्स को देखा था। इनके किनारे पर आने से पहले ही मैं ये सब जानता था, इसीलिए मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। ये तो पागलपन है, क्या ये सच में काम करेगा? जिमी नो वे, हमें ईंधन की जरूरत है जो रेत को पिघला सके, और एक सही चारा जो शार्क को यहाँ ला सके। वैसे हमारे पास काफी लोग हैं उनके चारे के लिए। तुम बेवकूफ हो जिमी, हमें चारे के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कोई कोशिश नहीं की पर वो इकट्ठा हो चुके हैं। क्यों ना हम पार्टी के स्पीकर्स का इस्तेमाल करें रेत में रखने के लिए? शार्क्स मूवमेंट और वाइब्रेशन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तुम्हें लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी शार्क तुम्हारे रिकॉर्ड स्पीकर की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाएंगी? पार्टी के स्पीकर्स, अब कौन बेवकूफ है? यस, अगर वाइब्रेशन स्ट्रांग हुई तो हम शार्कों को जैसे चाहे वैसे ललचा सकते हैं। ये बस डिपेंड करता है कि स्पीकर्स कितने लाउड हैं। वैसे मेरे सारे स्पीकर्स लग जाएंगे तो टापू हिल जाएगा, वो बेस्ट हैं। मैंने उनकी कीमत चुकाई है। ईंधन के बारे में क्या करेंगे? कितनी गर्मी चाहिए रेत को कांच बनाने की? हमें जरूरत है इतना ईंधन जलाने की एक्स्ट्रा लार्ज जो तकरीबन 2000 डिग्री तक जाए। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास है। तब तो हमें ऐसा ईंधन चाहिए जो 2000 डिग्री की गर्मी है। हो सकता है, पर ये काम करेगा इसका मुझे सबूत चाहिए ताकि मेरा काम शुरू होने से पहले मुझे तसल्ली हो। ये टुकड़ा उस शार्क का है जिसने स्पार्की को खाया था। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये रेत के कांच में बंद है। वैसे ये सबूत तुम्हारे लिए काफी है, हाँ? चलो मछली मारते हैं। कम ऑन। दोपहर में नेपल्म की खुशबू अच्छी लगती है। तुम्हें ये सब मिला? ये ज्यादा स्ट्रांग है, मुझ पर यकीन करो, ये थोड़ा ज्यादा भी चल सकता है। देखते हैं, देखते हैं। नेपल्म बेबी, नेपल्म। अच्छा काम है। यकीन है कि जूस काफी होगा? तुम मेरा मजाक कर रहे हो, मैंने जाल फैला दिया है। ये जानना अच्छा है ताकि हम अगली बार के लिए तैयार हैं। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? चलो इस पार्टी को शुरू करते हैं। हाँ। We'll be right back.
करना शुरू करो। रुको एक मिनट रुको, अब क्या हुआ? बिजली चली गई। नहीं बिजली अभी तक है, वो सामने वाला स्पीकर शायद प्लग से निकल गया है। मैं अभी जगह। तुम पागल हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ सैंड शार्क्स की भरमार है, तुम पक्का उनका खाना बन जाओगे। ये सही कह रही है जॉन, तुम अपने पैरों को 10 फीट का नहीं बना सकते। मुझे यकीन नहीं फिर भी कह रहा हूँ, मैं फिक्स करता हूँ। व्हाट जिमी, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूँ, मैंने सबको मुसीबत में डाला, मैं ही निकालूंगा। जिमी तुम मत जाओ वहाँ, ये तो मुझे करना ही होगा, मेरे पॉप के लिए, तुम्हारी बहन स्पार्की और वो बाकी के सब लोग। मैंने उन्हें चारा बनाया, इस तरह से मैं अंजाम भुगतूंगा। द शो मस्ट गो ऑन। जिमी ये कोई पार्टी नहीं है जो रात को खत्म हो जाएगी, ये तुम्हारी जिंदगी है। एक बार ये चला गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूँ जिमी, इसे रख लो। नो थैंक्स, मैं उतनी देर के लिए वहां नहीं जा रहा हूँ कि इसकी जरूरत पड़े। ठीक है, गुड लक जिमी, मैं ये नहीं करूंगा। मर गए। तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था मैं उन्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगा, जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। हमने कर दिखाया। नहीं, हमने कर दिखाया जी, मैंने कर दिखाया। एग्लेस, ये फ्लेम थ्रोअर कहां से हासिल किया तुमने? घर का बना है, इसके सारे पार्ट खरीदे हैं, इसलिए मुझे याद है। और अब मेयर आ चुका है, इसलिए तुम पर भारी मेयर नहीं। हाँ, मैं सोचता हूँ। तो इंटरनेट का आखिरी डील क्या है? हे, hey!
से भी डरावना है। शार्क लैंड शार्क बन सकती है। हेलो जिमी, वैसे तुम उन तक नहीं पहुंच पाओगी। एक्चुअली इसलिए क्योंकि उनके क्लाइंट मैं ले रही हूं। क्या तुम बीच पार्टी देना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। बीच पार्टी करने के लिए तो लोग मरते हैं।